नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। हमने ये इलम पहले भी बताया था, बड़ा खास चमत्कारी उपाय है जिसने भी किया है, 101% रिजल्ट मिला है। सच्चा प्यार पाने का यंत्र जो प्रयोग कर सकते हैं, इस प्रकार आपको यंत्र बनाना है। उसमें नाम लिखना है प्रेमी का, और प्रेमी है जो आपका उसका गोत्र लिखना है, और नाम प्रेमिका का और गोत्र, यानी कि लड़का लड़की का नाम लिखना है, दोनों का अलग अलग जो भी गोत्र है वो गोत्र लिखना है। गोत्र ना पता हो कोई भी सरनेम या जो भी नाम के पीछे लगाता है, नाम के पीछे जो भी लिखता है वो आपको लिखना है। इस प्रकार ये अंक अंकित करने हैं। ये वश्य कुरु कुरु स्वाहा, इस प्रकार ये यंत्र है। कोई भी शब्द समझ ना आवे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। सामग्री क्या क्या चाहिए आपको बनाने के लिए? भोजपत्र लिखने के लिए, और अनार की कलम, अनार की टहनी को तोड़कर उसके आगे से बारीक ब्लेड से कलम बना लें, और अष्टगंध से तैयार की गई स्याही, अष्टगंध खुद बनावें, ओरिजिनल अष्टगंध का प्रयोग करें, वरना डुप्लीकेट 1% भी रिजल्ट नहीं देगा। समय सुबह कभी भी प्रयोग कर सकते हैं। मुहूर्त क्या रहेगा इसका? होली, दिवाली, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, दशहरा, अमृत सिद्धि योग या सर्वसिद्धि योग, कोई भी सर्वसिद्धि योग हो। प्रयोग विधि हमने बताई है, इसको बनाकर अब सिद्ध करके तावीज में डालकर अपने गले में या बाजू पे बांध के रखें 40 दिन, आपको 40 दिन में रिजल्ट मिल जाएगा। अगर आप अपने गले या बाजू में नहीं बांध सकते, नहीं धारण कर सकते, तो एक शहद की शीशी लेकर, शहद की बोतल लेकर 50-100 ग्राम तक की, उसमें ये यंत्र बना के उसको उसमें डाल के उस शहद को कहीं भी आप छिपा कर अंधेरे में रख सकते हैं 40 दिन के लिए। 40 दिन के बाद उसको बहते पानी में जल प्रवाह कर दें, आपको यंत्र का रिजल्ट 101% मिलेगा। इस यंत्र को कोई भी लड़का या लड़की कोई भी प्रयोग कर सकता है, और ये पति पत्नी के लिए भी विशेष लाभप्रद देखा गया है। अगर कोई प्रेमी दूर है तो प्रेमी का इस्तेमाल करे, तो संपर्क करेगा, संपर्क बनाएगा। प्रेमिका दूर है, रूठ गई है, नाराज है, या कोई बात है, तो वो मनमुटाव खत्म हो जाएगा दोनों के बीच का। अगर पति पत्नी के संबंध में मतभेद बना हुआ है, दूर रहते हैं या एक साथ रहते हैं, मतभेद बना हुआ है या क्लेश चला हुआ है, तो भी इस यंत्र का बनाकर प्रयोग कर सकते हैं, 101% रिजल्ट मिलेगा। सो आज के लिए इतना ही। वीडियो को शेयर करके लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, और इस यंत्र से, इस प्रयोग से किसी का बुरा ना होगा, और ना ही आप किसी का बुरा कर सकते, और ना ही आप किसी का बुरा करें। सो ये अच्छे के लिए है। धन्यवाद, बने रहो, सुख शांति प्रदान करें। जय माता दी।